पूर्वी दिल्ली की प्रीत विहार थाना पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ऑटो में निकलता और बंद घरों का ताला तोड़कर कैश और कीमती सामान चुराकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित दो अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना चुराए गए पैसे बांग्लादेश पत्नी को भेज दिया करता था। DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के 24 परगना अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है। वो दिल्ली के सुंदरपुरी में रह रहा है, जबकि दूसरे की पहचान अबू मूसा के तौर पर की गई है। DCP ने बताया कि PS प्रीत विहार में एक PCR कॉल प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता नवीन मित्तल ने कहा कि सुबह उनकी पत्नी ने एक अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया। किसी ने खिड़की से उनके घर में घुसकर जेवरात और नकदी चुरा ली थी। इस संबंध में IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ACP प्रीत विहार शिप्रा गिरी की देखरेख में SHO प्रीत विहार हीरालाल, SI संदीप कुमार, कांस्टेबल योगेश और राम सिंह की टीम का गठन किया गया। इस संबंध में कई CCTV फुटेज को सावधानी पूर्वक स्कैन किया गया था। गुप्त मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया। एक मुखबिर ने खुलासा किया कि अपराध एक TSR का उपयोग करके किया जा रहा था। CCTV फुटेज प्राप्त किया गया, जिसमें संदिग्ध TSR को एक विकलांग व्यक्ति चला रहा था। हालांकि CCTV फुटेज में उक्त ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद प्रयासों और तकनीक की मदद से TSR की पहचान कर ली गई। गुप्त सूचना की सत्यता की जांच के लिए GTB अस्पताल दिलशाद गार्डन के पास एक जाल बिछाया गया। मूसा और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों व्यक्तियों ने उपरोक्त अपराध में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। उनके कब्जे से घटना में वारदात में इस्तेमाल TSR बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी अब्दुल रहमान ने खुलासा किया कि वो TSR पर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, जिसे अब्दुल मूसा चलाता था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उनके निशाने पर बंद घर होता था। आरोपी ने बताया कि उनकी पत्नी बांग्लादेश की रहने वाली है। वो कोलकाता में एजेंट के बैंक खातों में चोरी की रकम ट्रांसफर करता था। एजेंट आगे पत्नी तस्लिमा को राशि हस्तांतरित करता है, जो कि बांग्लादेश में अब्दुल रहमान की पत्नी है। एजेंट के बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर लिया गया है और सत्यापित किया जा रहा है। आरोपी अब्दुल मूसा से लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक TSR ड्राइवर है, जो अपराध के कमीशन के लिए अब्दुल रहमान को सवारी देता था। अब्दुल रहमान हर घटना के बाद उसे कमीशन दिया करता था। आरोपी अब्दुल रहमान PS विवेक विहार और पंजाबी बाग में दर्ज चोरी और सेंधमारी के 9 मामलों में शामिल है। PS सीमापुरी में NDPC एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी अबू मूसा शामिल है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।